चनपटन में एनआरसी और सीएए की मुखालिफत में अफवान की पुरअमन रैली। साबिक रियासती वजीर इज्जत माँ बीजेड जमीर अहमद खान की रैली में शिरकत। रामनगरम जिला चन्नपटनली एनआरसी मत्तु सीएए विरुद्ध शांतिपूर्वक रैली। माजी शासक बीजेड जमीर अहमद खान चन्नपटन रैली नली भागिसिद्दरु। अभी कुछ ही लम्हे पहले आपने चनपट्टन के अंजुमन महदविया का मैदान वीरान पड़ा देखा, जिसको पुलिस अमला सख्त पहरा देते नजर आ रहा था। वही वीरान मैदान कुछ ही लम्हों में खचाखच भर गया। हजारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह लोग एनआरसी और सीएए की मुखालिफत में एहतजाजी रैली के जरिए इस मैदान में जमा हुए। ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಹದವ್ಯ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇರು ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಎ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ರ್ಯಾಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು। इस रैली में मुसलमानों के रहनुमा, गरीबों के मददगार, नौजवानों के दिल की धड़कन और रियासत कर्नाटक की सियासत में मुसलमानों के हर दिल अजीज सियासतदान इज्जत माँ बीजेड जमीर अहमद खान पुरअमन एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए चनपट्टन पहुंचकर रैली के साथ चलते रहे। आप देख रहे हैं एहतजाजी जुलूस बेंगलुरु मैसूर शहरा की एक जानिब से बड़े पुरअमन अंदाज में गुजर रहा है और दूसरी जानिब बेंगलुरु मैसूर शहरा में इतवार के दिन की ट्रैफिक गुजर रही है। किसी को कोई किस्म का डर या ख़तरा नहीं है। इस जुलूस का पुरकशिश नज़ारा रियासत कर्नाटक का 500 मीटर लंबा फ्लैग, जिसे कन्नडिगा फ्लैग कहा जाता है, एहतजाजी अपने सरों पर लेकर गुजर रहे थे। रैली में जमीर अहमद खान साहब के साथ एमसी करियप्पा, पहलवान अक्रम, गोरी पालिया के अल्ताफ, पहलवान फयाज, लियाकत अली खान वगैरह शामिल रहे। ई रैली समय दल्ली पुलिस डिपार्टमेंट इंद सूक्त बंदोबस्त आगितो। 700 ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ನಿಜಾಮಿ ಚೌಕ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಜುಮನೆ ಮಹದವ್ಯ ಮೈದಾನ ಕಡೆ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು। ಜಿಂದಾಬಾದ್।
आप देख रहे हैं यहाँ के निजामी चौक से होते हुए पुरमन अंदाज में हजारों की तादाद में अवाम गुजर रही है। 20 जमीर अहमद खान ने रैली में खिताब करते हुए बताया कि देश की अवाम बेचैन और परेशान हाल है, इसकी वजह इख्तदार की भूखी बीजेपी पार्टी का अवाम पर जुल्म है। आप समझ रहे होंगे कि सिर्फ मुसलमान परेशान हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हरिजन, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला परेशान हाल है। हिंदुस्तान की इकानमी इतनी गिरती जा रही है कि हर कोई अपने कारोबार बंद कर रहे हैं। ऐसी हालत में बीजेपी पार्टी अपनी कारस्तानियों पर पर्दा डालने के लिए और अवाम का ध्यान भटकाने के लिए NRC और CAA के नाम से नया हथकंडा अख्तियार किया है और पूरे हिंदुस्तान की अवाम को परेशान कर दिया है। इन्होंने बताया, हम इस देश के शहरी थे, हम इस देश के शहरी हैं और हम इस देश के शहरी रहेंगे। हम पेपर से नहीं, खून से हिंदुस्तानी हैं। हमें इस देश से कोई निकाल नहीं सकता। इन्होंने बताया कि ये पुरअमन रैली शुरुआत है, हमें डरा धमका कर कोई खामोश कर नहीं सकता। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए अपना खून पसीना बहाया था और इन शहीदों का खून हमारे रगों में बह रहा है। हम NRC और CAA से आज़ादी चाहते हैं। हर हालत में ऐसा कानून नाफिज नहीं करना चाहिए जिसमें जात पात के नाम पर हिंदुस्तान को बांटा जाए। जिले रामनगरम के SP अनूप शेट्टी व चनपटन के DYSP रामाराजन ने तहसीलदार को मैदान अंजुमन महदविया बुला लिया, जिनके ज़रिए हमारे रहनुमाओं ने मेमोरेंडम सदर हिंद और मरकजी हुकूमत व रियासती हुकूमत को पेश किया। ज़िले SP अनूप शेट्टी बहुत ही जिम्मेदारी से पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया और पूरी रैली ख़त्म होने तक साथ रहे। पुलिस अमले का अवाम के साथ ताउन काबिल तारीफ रहा। इस पुरअमन रैली को मुनक़द करने में साबिक सदर बल्दिया ज़बीउल्लाह खान औरी, कांग्रेस के तर्जुमान शाह निज़ामुद्दीन फौजदार, SK सैयद सफ़ीउल्लाह सखाफ, सैयद मुमताज़ खुनमीरी इकबाल वगैरह ने बहुत जद्दोजहद की। इस मौके पर अंजुमन महदविया के मोतमद अयूब खान जई, साबिक रुकन बल्दिया लियाकत अली खान, जकी अहमद खान, वासिल अली खान, हामिद मुनवर, रामपुर राजन्ना, MC करियप्पा, नागराज, गंगाधर, वीर गौड़ा वगैरह मौजूद रहे। Thank you.
हाय हवा गांव थारा सा पूछा बड़े आजादी ये मक्का रिस है।